नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और पेन एंड पेपर्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं फाउंटेन पेन्स और बाकी सारी स्टेशनरी आइटम्स को रिव्यू करता हूँ, तो अगर आपको वो अच्छे लगता है तो कृपया जाके मेरे बाकी कंटेंट्स चेक करें। ये पहली बार है जब मैं हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो अगर इसमें कुछ सुझाव है आपके, कुछ आपको अगर कुछ अच्छा लगता है या कुछ बुरा लगता है तो उसमें बताइए, और उसमें मैं वो सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। मेरे बहुत ही पसंदीदा फाउंटेन पेन से ये है मोही ब्लैक करंट। ये पूरा एबोनाइट से बना हुआ फाउंटेन पेन है। अब फाउंटेन पेन के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि फाउंटेन पेन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं, ताकि अगले रिव्यूज़ में जब भी हम उनके बारे में बात करें तो आपको पहले से पता हो कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये तो होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है पेन का, इसे बैरल बोलते हैं। ये वाला जो है वो कैप है, जो आपको पता ही होगा। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे फिनियल बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये बॉटम है। अब देखते हैं, ये जो है ये पेन का क्लिप है, जो हम हमारे शर्ट के पॉकेट में लगाने के लिए यूज़ करते हैं, इसे कैप बैंड बोलते हैं। अब जब हम पेन खोलते हैं तो पेन जिस तरह से खुलता है उस तरह से ये स्क्रू कैप है, इसको घुमा के आपको, अब जब कैप घुमाओगे तो पेन आप खोल सकोगे या पेन को यूज कर पाओगे। अब जो दूसरा टाइप होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। इस प्रकार से जो कैप खींचने से खुल जाए उसे हम स्नैप कैप कहते हैं। हिंदी में उसका पर्यायी शब्द मुझे पता नहीं है, तो जिसे खींचने से जो ऐसे क्लिक के साथ खुले उसे स्नैप कैप कहते हैं। और एक और फ्रिक्शन कैप बोल के भी होता है, लेकिन वो अभी मेरे पास कोई वैसा पेन है नहीं तो मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा, और अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस पेन के बारे में जानते हैं, ये पूरा एबोनाइट से बना हुआ पेन है। एबोनाइट के काफ़ी सारे प्रकार है, उसमें से जो फाउंटेन पेन्स में यूज़ होते हैं, वैसे तो एबोनाइट एक सबसे पुराना मटेरियल है जो फाउंटेन पेन बनाने में यूज़ होता है। जब भी आप कोई विंटेज पेन देखते हो जो 1900 के पहले बना है या 100-150 साल पुराना है, तो वो एबोनाइट से ही बना होगा। उसके बाद जब प्लास्टिक आए तो प्लास्टिक से बनना शुरू हो गया, उसके बाद जब सेल्यूलाइड या अक्रिलिक मटेरियल्स आए तो उनमें भी अभी काफ़ी सारे पेन्स बनते हैं। ये जो पेन है ये भारत में बना हुआ है और एबोनाइट से बना हुआ है। अब एबोनाइट में जर्मनी से एबोनाइट आता है, जापान से आता है। ये जो एबोनाइट है ये इंडिया में ही बना हुआ है और ये ब्लैक कलर का एबोनाइट है। एबोनाइट में काफ़ी सारे कलर्स भी होते हैं। अब ये जो पेन है ये मोही नामक कंपनी है, ये मोही नामक कंपनी है जो औरंगाबाद स्थित है, अभी छत्रपति संभाजीनगर स्थित है, और अब वहाँ वो काफ़ी अच्छे पेन्स बनाते हैं। ये जो उनका था वो शायद लिमिटेड क्वांटिटी में उन्होंने बनाया था, और जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जिस प्राइस पे वो अवेलेबल था वो काफ़ी बेहतरीन था, तो मैंने ये एक खरीद लिया मेरे लिए। तो जैसे मैंने बताया ये स्क्रू कैप डिज़ाइन है, ट्विस्ट कैप भी बोलते हैं जिसको। हम इसको रोटेट करेंगे, अब कितनी रोटेशन में ये खुलता है एक बार वो देख लेते हैं। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, तीन, और ये 3.5। तो 3.5 रोटेशंस में ये खुलता है, और जब आप खोलते हो तो इसे ग्रिप सेक्शन बोलते हैं, इस पार्ट को पेन के। ये निब है। अब ये जो निब है जब जो कि आप देख पा रहे हो वो स्टील से बना हुआ है, निब गोल्ड से भी बनता है। निब, ये जो निब है वो स्टील से बना हुआ है, ये योवो नामक कंपनी ने बनाया है। योवो बनाता है, श्मिट बनाता है, बॉग बनाता है, काफ़ी सारी कंपनियां, और कई सारी कंपनियां खुद के पेन के लिए खुद निब बनाती है। तो ये जो है वो योवो निब ने बनाया हुआ है, और काफ़ी सारी कंपनियां ये योवो का यूज़ करती है। अब इस ये जो आप होल देख रहे हो यहाँ पे, उसे ब्रीदर होल बोलते हैं, और वो इंक के बहाव के लिए उसमें मदद करता है। अब ये जो बीच में से जहाँ से ये आपको एक लाइन दिख रहा है उसके एक दोनों तरफ जो है उसको टाइन्स बोलते हैं, और ये जो है ये पॉइंट है पेन का। अब ये जो है ये फाइन टिप, ये मीडियम टिप है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मीडियम उन्होंने लिखा हुआ है। ये जो पार्ट है
इसे फीड बोलते हैं। ये प्लास्टिक से भी बनता है, एबोनाइट से भी बनता है। एबोनाइट हाइग्रोस्कोपिक मतलब जिसको जो द्रव पदार्थ है उसको खींचने की उसकी नैसर्गिक प्रकृति होती है, उसके कारण वो इंक का भाव अच्छा रखता है। हालांकि प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये जो पर्टिकुलर फीड है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, और ये जो ग्रिप सेक्शन है इसे ग्रिप सेक्शन बोलते हैं, ये जो है ये एबोनाइट से बना हुआ है। अब देखेंगे इसमें इंक कैसे भरी जाती है। हालांकि जो दोनों पार्ट्स है, ग्रिप सेक्शन और बैरल सेक्शन, ये दोनों एबोनाइट से बने हुए हैं, तो आप इसमें आई ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब बैरल में सीधा आई ड्रॉपर से आप इंक भर सकते हो और उससे आपको काफ़ी अच्छा इंक कैपेसिटी मिल जाता है। इसमें जो है ये मैंने कन्वर्टर लगा दिया है, ये ऐसे निकलता है, या आप सीधा इंक में डाल के उसको भर सकते हो, या एक बार उसको लगा के इंक में डाल के आप इसे घुमा सकते हो। तो ये पिस्टन टाइप कन्वर्टर है जो मैंने इसमें लगाया हुआ है। इसमें कार्ट्रिज भी जाते हैं, मतलब जैसे हम बॉल पेन में रिफिल डालते हैं वैसे ही उनके छोटे छोटे इंक कार्ट्रिजेस आते हैं जो आप इसमें सीधे लगा सकते हो। ये सब हुआ पेन के बारे में। इस पेन का वजन जो है वो अंदाजन 24 ग्राम के आसपास है। अब देखते हैं इस पेन की साइज कैसी है बाकी पेन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे साइज कंपैरिजन के लिए मैंने चार पेन्स रखे हुए हैं। ये जो है ये सफ़ेद वाली जो कैप है वो है फेबर कैसल लूम। ये काफ़ी ज़्यादा जो फाउंटेन पेन के इंथुजियास्ट है, जो जिनको फाउंटेन पेन्स अच्छे लगते हैं, स्याही वाले पेन्स अच्छे लगते हैं, उनमें ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये अपना मोही ब्लैक करंट है, ये लामी 2000 है, और ये ट्विस्बी वैक 700R है। तो आप देख पा रहे हो कि ये पेन आपके पॉकेट में आसानी से बैठ सकता है। ये थोड़ा सा छोटा है, ये तो बिल्कुल ही आसानी से बैठता है, ये उससे थोड़ा लंबा है। और ट्विस्बी वैक 700R जो काफ़ी लंबा पेन है उसके कंपेरिजन में ये एक आधा इंच छोटा है, तो आपके पॉकेट में ये आसानी से बैठ जाएगा। तो ये हुई साइज कंपेरिजन, और अब देखते हैं ये लिखता कैसे। अब लिखने के लिए पेपर का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तोमोई रिवर पेपर है। अब देखते हैं कि इसकी लिखावट कैसी है। ये बहुत ही अच्छा लिखता है, जब जो कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल कुछ स्किपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उल्टा करके भी आप उससे लिख सकते हो। उससे आप एक साइज छोटा मिलेगा, ये अगर मीडियम है तो ये आपको फाइन साइज मिलेगा। हालांकि ऐसे लिखावट मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक फाउंटेन पेन अपने वेट में लिखना चाहिए, उसको आप कोई प्रेशर ना डालो तो भी उसमें से इंक का बहाव होना चाहिए, ये एक अच्छे फाउंटेन पेन का लक्षण है। तो आप देख पा रहे हो कि मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं और ये अपने आप लिखा जा रहा है। तो आपको बिल्कुल कोई प्रेशर डालने का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा फ्लो है, वेटनेस भी अच्छा है, आप देख पा रहे हो। थोड़ा समय लग सकता है अपने लिखने के बाद उसको ड्राई होने में, लेकिन फाउंटेन पेन से लिखने में जो मज़ा है वो उसके लिए मैं उतना कष्ट तो ले ही सकता हूँ। तो मैं जो ये हिंदी में कंटेंट क्रिएशन शुरू करने वाला था उसमें मेरा ये कोशिश था कि मैं किसी भारतीय पेन से ये शुरू करूं, और मुझे जो बहुत अच्छा लगता है उस पेन से शुरू करूं, ऐसी भी एक कोशिश थी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ये वीडियो में करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पेन अच्छा लगता है तो आप अभय पेन एजेंसीज नामक एक दुकान है औरंगाबाद में, या छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, उनके डिटेल्स आपको गूगल में मिल जाएंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हो और उनसे आप ये पेन खरीद सकते हो। बहुत ही बढ़िया पेन है, उनके काफ़ी सारे बाकी पेन्स भी है एबोनाइट के, आप वो भी उनसे बात करके चेक कर सकते हो। और भविष्य में मैं उनके भी रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और किसी भी आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करिए, या इंस्टाग्राम पे मेरा पेन एंड पेपर्स बोल के चैनल है जिसका मैं आपको चैनल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे आके मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। और अगर आपको और अच्छे कंटेंट्स देखने हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।